पर कितने हैं यार इनमें। और दोस्तों गेंदबाजी किसके हाथ में दी जाएगी, गिलमान प्रधान या कौन, पवन है क्या या गिलमान प्रधान है, ये वक्त बताएगा। जब तक मैं देख रहा हूँ कि जयराजपुर की सरजमीन पर नवंबर या दिसंबर के महीने में एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। फर्स्ट प्राइज 75,000, सेकंड प्राइज 50,000, मैन ऑफ द सीरीज 5,000, 10,000। अंडर एसीसी का वो मुकाबला होगा, अंडर एसीसी। फारूक कमेंट्री टेबल पे आए। बॉलिंग क्या करी भैया प्रधान जी? जैद खान शंगरीला ढाबा और उन्हीं के वालिद मोहतरम इसरार खान की तरफ से लगातार इनामों की बरसात हो रही है। हाँ, सालिक और लवीज बाबा लगातार इस टूर्नामेंट का जुटकर टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा किया। तौकीर भाई बिल्कुल गया था कि नहीं, फाइनल खेलेगी ना अभी, इसके बाद क्वार्टर। अरे हलवा गया था कि नहीं, आप ही ऐलान करवाए थे ना खंडवारी के ऊपर, दिया कि नहीं दिया, लाइए यहाँ पे तब ना दिया जाएगा, लाइए तौकीर भाई से कहिए। हाँ जनाब, गर्मी और याद रहे हर हैट्रिक पर तौसीफ मेहरा की तरफ से ₹300 की इनाम है, तौसीफ मेहरा की तरफ से। कहाँ मिल गया, रुक जा फोन करी। लजीज दरबार ढाबा की तरफ से ₹300 की इनाम है, हैट्रिक पर लजीज दरबार ढाबा 300 और वहीं पर तौसीफ मेहरा ₹300 की नाम। फरहान नेता नसीरपुर आइए, आपका शुक्रिया। जी अब दोस्तों जब तक मुकाबला रुका हुआ है, इस मुकाबले में मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों ने फाइनेंस किया है, इस मुकाबले को ऊंचा किया है, उन सभी लोगों का मैं एक मरतबा फिर से शुक्रगुजार हूं। आसिफ कमर आसिफ, हाँ, ये देखिए गेंद शरीर पर टकराई आसिफ के। तो दोस्तों इस टूर्नामेंट के साथ जावेद अहमद डप्पी ककराहटा, असद शरफुद्दीन ककराहटा भी जुड़ चुके हैं। ककराहटा में बहुत शानदार टूर्नामेंट होगा अगले साल, नाइट टूर्नामेंट। गिलमान प्रधान आसिफ और ये गिलमान प्रधान को ओपनिंग चैलेंज किया मिस्टर मोहम्मद आसिफ ने, और इस बात का ऐलान किया कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, नजरों से नजरें तो मिलती है अक्सर, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता। वाइट का इशारा आया और इस वाइट की मदद से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 7 रन। इसमें से जो जीतेगा उसका मैच क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो होगा इस मैच के तुरंत बाद खंडवारी से खेला जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, फिर आइए। जैद बलाहर आइए, आपका शुक्रिया। ब्यूटीफुल शॉट, टूर्नामेंटल शॉट, टूर्नामेंट की बेहतरीन शॉट की छूकर होठों से सारा पानी गुलाबी कर गया, वो समंदर तक की मछलियों को भी शराबी कर गया। हाँ वहां से सीटी बज रही है, भाई गेंद की सप्लाई करें, अहले बिंदवल आप लोग खड़े ना रहे, गेंद की सप्लाई लगातार करें। ये इस मतबाले के सही दिशा में चलाया बल्ला, वहां पर मौजूद है खिलाड़ी, 1 रन मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। समझ आई 2 घंटा बाद
तबरेज उर्फ गांगुली की मोहब्बत का शुक्रिया। मुकाबले की तरफ अब मुसैब आलम रिलमान प्रधान के सामने 14 रन यहां पर हो चुके हैं मुबशिर 11 राजापुर सिकरौर के। शानदार टूर्नामेंट कराया था अभी कुछ दिनों पहले मुबशिर भाई ने। खैर अब चलो इस टूर्नामेंट की तरफ। रिलमान प्रधान राउंड द विकेट की गेंदबाजी। मुसैब समझ ना सके गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ और फील्डमैन ने वहां पर फील किया। वालेकुम अस्सलाम चाहतन रिलमान उम्दा डिलीवरी। आरिफ वकील गुलवा सऊदी अरब से मुकाबले को देख रहे हैं, इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई नेटवर्क एक ओवर में 14 रन बन चुके हैं और लगातार 70-70 इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ा हुआ है। भाई बॉलर नेम भैया बॉलर शाहबाज इतना कुल नाम है शाहबाज है ये नहीं। बॉलर नेम शाहबाज। वाइड गेंद और उस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। स्कोर 15 रन। सालिम जाने मिलिया अदनान कादिर चादपट्टी इन सभी लोगों का शुक्रिया। एक मैच के बाद जो भी जीतेगी वो खंडवारी से खेलेगी। और इस दरमियान एक खूबसूरत सा छक्का लगाया यहाँ पर आजिम ने और फिर कहीं ना कहीं इस बात का ऐलान किया है आजिम ने कि हाथ आंखों पर रख लेने से खतरा नहीं जाता, भूचाल को दीवार से रोका नहीं जाता, दरिया के किनारे तो पहुंच जाते हैं प्यासे, प्यासे की प्यासों के घरों तक कोई दरिया नहीं जाता। शानदार ये छक्का लगा करके स्कोर को जा पहुंचाया है। इसमें से जो जीतेगा उसका मुकाबला क्वार्टर फाइनल में खंडवारी ऑलरेडी पहुंच गई है, खंडवारी से खेला जाएगा इस मैच के तुरंत बाद। या ये भी हो सकता है कि इस मैच के बाद पहला सेमीफाइनल करा दिया जाए क्योंकि दो राजापुर सिकरौर का लगातार कंटिन्यू तीसरा मैच होगा। और संभावनाएं हो सकती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट अटेम्प्टेड हियर बाय मिस्टर आजिम। क्या कहा जाए इस शॉट पर कि जब्त करने से हुनर और निखर जाता है, प्यार जब हद से गुजरता है बिखर जाता है। बिखेर कर रख दिया यहाँ पे रिलमान नैन कंपनी बंदी घाट को ये ओपन चैलेंज करता हुआ खिलाड़ी। और ये लगातार तीसरा, इस तीसरे पर इनाम की बरसात अगर देखी जाए तो क्या क्या था। सईद भाई बिंदवल 100 रुपए की नाम आजिम को, काश आरपीएस मेहरा 300 रुपए, लजीज दरबार 3-3-6-700 रुपए हो गए टोटल। लगातार 5-6 अगर लगाएंगे तो जियाउद्दीन भट्टा वाले 5,000। पवन चले ए आजिम के लिए अंपायर की उंगलियां हवा में, इस बात का सबूत दिया कि बल्लेबाज ने छक्का लगाया है। 45 रन 4 लगातार हो गए हैं भाई, तालियां बजाओ यार इस खिलाड़ी के लिए। ये क्या हो रहा है। उमर बाबा की तरफ से 100 रुपए की नाम आजिमा। हाँ ये पाजमा लगा है, ये तौर वही है इस टीम का सिरमौर वही है। ये लगातार 5 लगा है भाई जियाउद्दीन भट्टा वाले, आ जाए 5,000 रुपए लेकर। कहां घर था आपका, जगमनपुर क्या। हाँ
इतरार साहब कल्याणी मछली दाना 200 रुपए, जरा जाउद्दीन साहब को कॉल कर दी जाए, एटीएम ओटीएम तैयार कर ले, 5000 रुपए की बात है। चलो आदि, और अगर लगा नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से 200 रुपए की नाम, ये लगा ये क्या होगा, चले चले चक्कर में ये मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी सी गलती। हाफिज अकील साहब भी मुस्कुरा रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है जी, बिल्कुल ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है, ये क्रिकेट का मैदान है, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत मजा आएगा। इन दो ओवर की समाप्ति पर अगर स्कोर की बात की जाए 51 रन। एक बार फिर से आए हैं किलमान प्रधान बॉलिंग मार पर, 2 ओवर 45 रन। 45 यार, एप्पल जोन शादाब खान छतवारा आगमन हो चुका है, आइए एप्पल जोन तकी आजमगढ़। टोटल स्कोर की बात की जाए 51-50, 51। अरे वाह भाई यार आजिम, तुमने तो पूरी बस्ती जला दी। ये लोग, ये हमारे दर्शक इस बात को कह रहे हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरफ नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या मन हो यार, तो सबको ना जोड़ेंगे, अरे 5 छक्का तो जोड़े हो, 51 ना बोए भाई, योकान प्रधान ठीक, कोई नहीं गलती हो गई, माजरत, स्कोरर से छोटी सी गलती हो गई, स्कोर है 45। माजरत चाहता हूँ मैं गिलमान प्रधान से और सभी दर्शकों से, नहीं भाई 51 ही है, वो लोग गलती कर रहे हैं। और फिर ये देखिए, ये अपनी बाह में ले लिया है मुसैब आलम को, कैद खाने में कैद कर लिया गया है, बहुत ही जबरदस्त कैद पकड़ा भाई, की जंजीर बना, बहुत ही अच्छा कैद, मेरी तन्हाई की तस्वीर बना। गिलमान प्रधान को 100 रुपए के नाम, हामिद भाई की तरफ से, मैं छुट्टा कहां से लाऊं यार, बहुत ही जबरदस्त कमेंट्री पर भी है, चलिए लाइए 300 रुपए कमेंटेटर को, 100 रुपए बचेगा, अभी बाद में ऐलान किया जाएगा, पकड़िए भाई, बस मजाक चल रहा था। बहरहाल बराबर है, शाकिर फराही साहब जरा से इनाम काउंट करते रहे। हामिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, हमारे बड़े हैं, बहुत अच्छे वॉलीबॉल के डिफेंडर थे अपने दौर के, जबरदस्त कैच था माजिद भाई की तरफ से, कैच लपकने पर जी माजिद भाई पेट्रोलियम की तरफ से, ये 100 रुपए के नाम, माजिद भाई की तरफ से 100 रुपए के नाम, कैच लपकने वाले खिलाड़ी के ऊपर। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही, स्कोर 45 पे रुका हुआ एक विकेट के नुकसान पर, ये पटकी हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच, वाह क्लासिकल शॉट, माइंड ब्लोइंग शॉट, 4 रन, और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 49 एक विकेट के नुकसान पर। यह है एकदम यासिर मसूद भाई भी अब यहाँ पे, शुक्रिया आपका, चले व्हाइट का इशारा आया, ज़ियारत टूर एंड ट्रेवल्स, हज उमरा सर्विस, जनाब तबरेज साहब खालिसपुर और शाहनवाज भाई विद्वल, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ज़ियारत टूर एंड ट्रेवल्स, कोई भी टिकट निकलवाना हो आपका फ्लाइट का तो आप संपर्क कर सकते हैं। और या वाइट, और जरा ये इशारा करें व्हाइट के साथ साथ, और क्या मिला है ये भी इशारा करें जी, बहुत शुक्रिया। ये मिर्जा प्लंबिंग लहरा रहा है अपने हाथ को, ये पंजी मिली, स्कोर 55। एप्पल जोन तकी आजमगढ़ शादाब खान छतवारा, पटकी गेंद, अंपायर का दस्त बिल्कुल यहां पे लीगल डिलीवरी करा दिया अंपायर ने, और फिर ये देखिए सीधा चलाया है बल्ला लॉन्ग आन दिशा में 6 रनों के लिए, एक फिर से वही अंदाज में नजर आता हुआ ये खिलाड़ी, 61 रन, तीसरा ओवर चलता हूं, तीसरा
तीसरा ओवर चल रहा है। यासिर धीरे धीरे अपने पड़ाव को खोलता नजर आ रहा है। स्कोर की बात की जाए 61 एक के नुकसान पर तीसरे ओवर की गेंदबाजी जारी। और ये देखिए सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, किसी तरह से मिड विकेट के खिलाड़ी ने फील्ड किया, एक मिलेगा इसे की मदद से 62 रन। बताऊंगा ये लग साइड स्टंप से खासा बाहर, अंपायर का इशारा व्हाइट का, एक एक्स्ट्रा रन के रूप में अगर देख एक ही मिलेगा, शॉट है ना जी। और यहां पे हल्के हाथों से खेला है, एक मिलेगा। ये देखिए रन आउट का चांस था, लेकिन ये अंपायर बताएंगे कि हाँ यहां पे ओवर की समाप्ति का ऐलान, और ये रन अगर ऐड कर दिए जाए 65। आज ही फाइनल, हाँ आज ही फाइनल, इसके बाद क्वार्टर फाइनल, दो सेमीफाइनल और फाइनल, इसमें से जो जीतेगा उसका मैच पटवारी से खेला जाएगा। अजीम 50 रनों पर बल्लेबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी, जब इसकी 50 हो जाएगी तब मजा आएगा। अब देखिए ये कौन है, अयान है कि समीर गिलमान? अयान। ये लगा है छक्का, इस छक्के पर कहा जाए कि मैं आजमी हूं, है फख्र मुझको कि शहर मेरा वफा का गढ़ है, यहाँ के लोगों के दिल हंसी है, यहाँ की सोचे अजीम पर हैं। अरे आजमगढ़ वालों, ऐसा लगे सेमीफाइनल मंजीरपुरी बनाम नसीरपुर। इस गर्मी के आलम में लगातार लोग गमछा हिला रहे हैं और अपना जो पसीना सुखा रहे हैं। यहाँ सेंचुरी हुई है मुकम्मल, बल्ला उठाए जरा सा लगे ऐसा जी नहीं, अगली गेंद के बाद ये गेंद बल्ले का कोई कॉम्बिनेशन नहीं और उस तरह से 71 रन, चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी। गिलमान प्रधान को 100 रुपए के नाम हामिद भाई की तरफ से। समिल्ला साहब चना चोर गरम, आपका शुक्रिया। ये देखिए अब समाप्त हुई पारी, अंत हुआ पारी का। अजीब भाई जो ये आजिम लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता रहा ये खिलाड़ी, टीम को बहुत दूर पहुंचाया है इस खिलाड़ी ने। अच्छा भाई बहुत अच्छा खेला, कैप्टन कूल भी मजेग्राओं की शाबाशी दे रहे हैं। स्कोर की बात की जाए दोस्तों तो टोटल स्कोर 71 रनों पर रुका हुआ है। कप्तान चला है सीनातान, मुबस्सिर आलम का आगमन। और पहले दिन जब करमैनी का मुकाबला हुआ था, हसन ने भी क्या प्यारी पारी खेली थी, बहुत बेहतरीन पारी, दो लगातार विकेट लगाया था, नॉट आउट था वो बल्लेबाज करमैनी का। हसन इस मुकाबले को कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि देख रहे होंगे, उनका शुक्रिया। और बहुत लोग आए हुए हैं आज, बंदी घाट के भी कुछ लोग हैं, डॉक्टर फैसल साहब कबड्डी के बेहतरीन स्पॉन्सर हैं, शुक्रिया आपका। जी हाँ, 72 रन। शारिफ बिंदवल इस मुकाबले में आने वाले थे, अब्दुल मुत्तलिब शेख, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए ये इस मरतबा गलती किसको लगी, पानी दिया जाए, पहले पानी दो। लग गई का
लगन बीमार हो जाए इससे ज्यादा जाएगा इसके बाद। गिलमान प्रधान अगर हैट्रिक लगाएंगे छक्के तो तसीम प्रधान चांद पट्टी 500 रुपए के नाम। ये देखिए क्या खूबसूरत रन आउट, और फिर उसके साथ मुकाबले की पहली पारी का अंत हुआ। मुकाबले की पहली पारी का अंत हुआ। शहजाद शेख चकिया दुबई से इस मुकाबले के साथ जुड़े हैं, इनका शुक्रिया। और दोस्तों पूरे स्कोर की अगर बात की जाए 78 बना करके 79 का टारगेट दिया है। अब बंदी घाट, अब यहाँ पे अगली परीक्षा, अगर लगातार 3 लगाएंगे तो तहसीम प्रधान चार पट्टी 500 रुपए के नाम है। और वही ले लिए, सुन वही निकाल लिए, अरे वो चना जोर गरम हो ले लिए तो मतलब वो तो सबसे सही रहेगी। सैद बनहोड़ी का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, एप्पल जोन शादाब खान तकी आजमगढ़, आइए आपका भी शुक्रिया। जियारत टूर एंड ट्रेवल्स हज उमरा सर्विस फला कॉम्प्लेक्स बिलरियागंज, तबरेज भाई खालिदपुर, शहनवाज भाई बिंदवर का शुक्रिया। फैशन गार्डन मेंस कलेक्शन तकी आजमगढ़ का भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और वहीं पर इस मुकाबले के साथ कुवैत से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस मुकाबले को मैं देख रहा हूं कि एक आजमी यानी अबुल खैर आजमी जो कुवैत से लगातार इस मुकाबले के साथ जुड़े हैं, मुबशिर महुआरा खुर्द भी इनके साथ हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अबुल खैर आजमी ताल्लुक सालारपुर की सरबंदी से, मुबशिर महुआरा खुर्द, उन सभी लोगों का हम परदेशियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। डग आउट खाली कर दिया जाए भाई, वरना टीम का रन माइनस कर दिया जाएगा। डग आउट खाली कर दिया जाए, अरे टीम का हेलो सर आइए इधर बैठ जाइए, आइए कहा दिन डग आउट खाली कर दिया जाए टीम का रन माइनस कर भैया पतन कहा दर्शक है। आगे की कमेंट्री के लिए शहनवाज भाई सबसे पहले वेलकम ढाबा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जोन शादाब खान छतवारा, शिव पॉइंट तकी आजमगढ़, जायका महफिल ढाबा का भी शुक्रिया, लजीज दरबार ढाबा, ये 3 पे 3 कोई लगाएगा तो फिर यहाँ पे 300 रुपए की इनाम है। और वहीं पे शिव गार्डन तकी आजमगढ़ शुक्रिया, फैशन गार्डन एंड मेंस कलेक्शन तकी आजमगढ़ का भी शुक्रिया। चलिए मुकाबले की तरफ, तो आगे शाकिर फराही साहब। अरे भाई ईयरफोनवा कहाँ है भाई मोरा? भैया हम लोग का काम लाइव दिखाना है भाई, हम लोग लाइव दिखा रहे हैं, आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं। इतना ज्यादा हम लोग लोड लेके चलेंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, इतना दिमाग खराब हो जाएगा जी। शुक्रिया आप सभी लोगों का, और मैं तमाम यहाँ पे सबसे पहले तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लगभग दर्शक में देख रहा हूँ इस समय बहुत ज्यादा तादाद में है, और इतने दर्शकों का होना इस टूर्नामेंट को ये साबूत दे रहा है कि ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं बहुत सफल है, और पूरे आजमगढ़ को ये टूर्नामेंट एक मोहब्बतों का संदेश दे रहा है कि क्रिकेट बिल्कुल सभी लोगों का जोड़ने का काम करती है। और अंपायर का इशारा डेट बॉल का, इसी के साथ फिर से अपनी बॉलिंग मारने तैयार। ये मुसैब आलम कभी गेंदबाजी तो कभी बल्लेबाजी, लेकिन इस टाइप पे है बंदी घाट के वो बल्लेबाज जो टीम कैप्टन है, गांव के प्रधान भी है, और इस टीम की बड़ी जिम्मेदारी इस मरतबा। ये अच्छी गेंद है, इसी एक के साथ स्कोर का आगाज किया है टीम बंदी घाट ने। तो 79 रनों का टारगेट का पीछा कर रही है, पीछा कर रही है टीम बंदी घाट। गिलमान ने 11 इस मुकाबले में किस तरह से अपनी गेम को शुरू करने वाली है, और मुझे लग रहा है कि इसमें से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी ओसामा एंड कंपनी खंडवाली की टीम से। बड़ा मजा आने वाला है अगला मैच। ये बिल्कुल वाइड की तरफ यहाँ पे मिर्जा इंतखाब, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई। जो दर्शक है मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो 11,000 का जो लाइन का वोल्टेज है तार है उससे आप लोग दूरियां रखे रहे। इस मतलब ये खूबसूरत शॉट है,
टॉम द ग्राउंड खेला है एक के साथ, क्या दूसरा भी होने वाला है? जी बिल्कुल नहीं, इसी एक के साथ। अब मैं देख रहा हूँ स्कोर जो है, स्कोर 3 बिना विकेट के नुकसान पे। दोस्तों ये वसीम अहमद एक्स मिनिस्टर मेमोरियल ग्राम सभा क्रिकेट प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का आज फाइनल दिन और इस टूर्नामेंट में 3 टीमें हैं जो सेमीफाइनलिस्ट हैं। पहले नंबर पे खेता सराय, दूसरे नंबर पे नसीरपुर, तीसरे नंबर पे इस बार ये लेफ्ट एक्सिस अनबिलीवेबल। ये प्रधान जी आज कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत तरीके से गेम को शुरू करने वाले है। मौसम बिगड़ने वाला है, क्या इस मुकाबले का मौसम बिगड़ता हुआ नजर आएगा? लेकिन गिलमान रह गए तो मुकाबला जरूर अपने पक्ष में करने जाते हैं। लेकिन मुसैब आलम तैयार, बिट्टो की दौड़ लगाई इस मरतबा ये और हाय और हाय, क्या गेंद जाने वाली है बाउंड्री लाइन के बाहर? जी नहीं, बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद को फील्ड किया, बड़ी खूबसूरत फील्डिंग कही जाएगी। दो रन जरूर आया इसी दो रनों के साथ स्कोर, अब मैं देख रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ 11 रन। डबल वन लास्ट ऑफ 0 विकेट। माजिद बिंदवल पूर्व कैप्टन, अरे का बमर बदर आलम भाई, गिलमान प्रधान को 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। उन उमर नूर आलम जरा दोस्त मिल ले, वही पर मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से नसीरपुर टीम भी तैयार है अपने गेम को शुरू करने के लिए। सेमीफाइनल पहला जो खेला जाएगा मंजीर भाई, कैमरे में लाइट कम लग रही है क्या? पहला ही सेमीफाइनल जब इतना खतरनाक है तो दूसरा किस तरह का होने वाला है? क्या खेता सराय के सामने राजापुर सिक्योर होगी या फिर होगी वो सामाइन कंपनी? इस पर ये बहुत खूबसूरत गेंद है, बिल्कुल ब्लैक होल में किया था बल्ले और गेंद में इतना अच्छा संपर्क नहीं और गेंद जो है स्टंप से जा टकराई। वर की समाप्ति का ऐलान जरूर हुआ है और अंपायर ने बताया कि ये वर विकेट के साथ गया है। और जितने दर्शक है जरा बाउंड्री लाइन बनाएगी दोस्तों, उस बाउंड्री लाइन के एरिया को छोड़ दे, हम पट्टी से थोड़ा सा दूर रहे। सरायमीर जिसके ओनर है शहनवाज शेरवानी जो बिल्कुल लगे हुए इस टूर्नामेंट में, कासिम बाबू भी देखे जा रहे हैं। ये खेल जो है आज कहीं ना कहीं मोहब्बत का परचम लहरा रहा है। एक ओवर 12 रन बिना एक विकेट के नुकसान पे 3 बंदी घाट। ये खेल जो है बहुत दिलचस्प चलने वाला है और वहीं पे मैं देख रहा हूँ और गिलमान प्रधान लगातार 6 छक्के लगाएंगे तो आरिफ तिगरिया की तरफ से 500 रुपए का 1000 रुपए का इनाम है लगातार 6 छक्के लगाने पे। अगली गेंद तैयार विकेट पे इस मरतबा, ये शॉट बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल इस शॉट पे ताकत भी थी नजाकत भी थी, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। वहीं पे क्राउड कैश में भी कैच है, क्राउड कैश में जो पैसा रखा है एमएम स्पोर्ट 70-70 आजमगढ़ 100 रुपया, डॉक्टर नदीर मेमोरियल अम्बुकेरीगंज हॉस्पिटल 100 रुपया, तो टोटल 200 रुपए का नाम है। पुट्टी है, पुट्टी का नाम बता नहीं है, पुट्टी है, पुट्टी साउथ। ये एक मतलब दो फुट टॉस गेंद थी जरूर, इस गेंद पे मौका था गेंद को बड़ी दूर तक भेजने का। गिलमान प्रधान माजिद भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम है, टीम अगर जीतती है तो माजिद भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये तमाम इनाम आते हैं, ये आज फाइनल दिन जहां पे ग्रैंड फिनाले होगा और तो कौन सी टीम होगी जो ये ट्रॉफी अपने घर ले जाने वाली है। नोबॉल का इशारा यहाँ पे, अनदर बिग हिट टू गिलमान 11 बंदी घाट। ये छक्का लगाया है और छक्का यहाँ पे लगाया है जो लॉन्ग लेग की जो सबसे बड़ी बाउंड्री है वहां पे इस गेंद को छक्का गया। और ये गिलमान प्रधान ने कहा कि बिल्कुल कुर्सी आप लोग तैयार रखिए, मौसम जो है बिल्कुल बदलने वाला है और इस मुकाबले का भी जो अंत होगा किस तरह का होगा ये दिखा जाएगा। मत बोल भाई, ये फ्रेड गेंद है, इस गेंद को कहा जाता है क्रिकेट जगत में सोने पे सुहागा। भाई बस करी है उसमें आप लोग कुछ ना करें, दो फिर हिट बॉल है, इस बात ही लॉब किया है, पीछे है फील्डर मौजूद, गेंद क्या जाएगी 4 या 6 ये अंपायर का सिग्नल आने वाला है। जी बिल्कुल 6 रन आ गया है, बिल्कुल 6 आया है गिलमान ने 11 बंदी घाट। और गिलमान यही कह रहे हैं
कि ऐसे भी मोहब्बत की सजा देती है दुनिया, मर जाओ तो जीने की दुआ देती है दुनिया। जब तक आप अच्छा काम करेंगे तब तक आपका नाम होने वाला है। गिलमान तैयार 31 रन के निजी स्कोर बोर्ड पे, तैयार के पास, तैयार बल्लेबाज। इस मरतबा ये लास्ट चेक, अनदर पिच बैक सिक्स और अंपायर बाई कॉल नो बॉल। ये अब मैच में बिल्कुल ट्विस्ट आ गई है, बिल्कुल ट्विस्ट आ गई है, ये मैच पूरी तरह से बदल गया है। नो बॉल का इशारा किया और ये फिर से अपनी प्रचंड फॉर्म में इस समय गिलमान प्रधान बंदी का। वाह क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। और प्रधान यही कह रहे हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये खेल बहुत दिलकश होने वाला है। और इसरार भाई कल्याणी मछली थाना 200 रुपए का इनाम आया है, गिलमान 11 और साबिर की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम है। और ये इनाम लगातार इस मुकाबले में जुड़े हैं। प्राचक खेल, बहुत अच्छे खेल के साथ अब आगे बढ़ी टीम बंदीघाट। कहीं ऐसा ना हो कि मैच जो है पूरी तरह से बदल जाएगा, पूरी तरह से मैच ही बदलने वाला है। उमर बाबा जराजपुर की तरफ से, पिंदौल की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। चलिए उमर बाबा जो बिल्कुल जुड़े हुए इस टूर्नामेंट में। और इस मैच की जो विनर टीम होगी वो करेगी खंडवाड़ी, फिर हेड गेट है। ये लीजिए एक और छक्का निकलता हुआ और ये क्राउड कैच है, ये क्राउड कैच है, 200 रुपए का इनाम। एमएम स्पोर्ट 70-70 लगातार चार हो गए हैं, चार मेरे ख्याल से लगे हैं लगातार। भाई क्राउड के जो पगड़ा है नौजवान, अरे बिंदौल का याद है दोस्त, आ गए 100 रुपया एमएम स्पोर्ट 70-70, 100 रुपया डॉक्टर नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल मुकेरीगंज। अरे इनको 200 रुपए का पुरस्कार। स्कोर जो है 44 रन, 44। इसके बाद है, अरे भाई इतना ऐलान करते रह जाएंगे तो मैच निकल जाएगा। आमिर भाई बंदीघाट की तरफ से 200 रुपए का नाम टीम जीतने पे। और एक और खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे, लेकिन मुसैब जो बिल्कुल गेंद के पीछे थे, रन्ना लिए। और 500 रुपया गिलमान प्रधान को, सादिक भाई जराजपुर 500 रुपए का पुरस्कार दिया है गिलमान प्रधान को, सादिक भाई जराजपुर। ये खेल बहुत दिलचस्प। चलिए अगली गेंद, तैयार विकेट पे। हामिद भाई बिंदौल ने इस बार तबाह हेलीकॉप्टर उड़ाया जरूर, लेकिन उड़ तो नहीं पाया, कुछ रन जरूर देखे गया। ओवर की समाप्ति का ऐलान, स्कोर 45 रन, 45। अगला मैच ओसामा का है जी, आप शायद मुसैब ही आने वाला है। 79 रनों का टारगेट है, स्कोर है 45 रन, 45 है और अभी भी मेरे ख्याल से 34 रनों की और जरूरत है। कितना रन दिए और जरा पानी की सप्लाई बनाते रहे ग्राउंड तक जो कार्यकर्ता है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। माजिद बिंदौल 300 रुपए का पुरस्कार हैट्रिक छक्के लगाने पे गिलमान प्रधान को दिया है। भाई कमेटी जरा पानी की सप्लाई बनाते रहे मैदान में, वहीं पे मैं देख रहा हूँ कस्बा माहौल और आजमगंज क्रिकेट लाइव जो बिल्कुल इस टूर्नामेंट से लगा हुआ है और लाइव चला रहा है। और शुक्रिया यहाँ पे तमाम आवाम जो बिल्कुल इस टूर्नामेंट की लगी हुई है, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और यहाँ पे सब लोग मिलजुल के इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये आजमगढ़ और ये बिंदौर की ये सरजमी कहीं ना कहीं आज मोहब्बतों का पैगाम दे रही है। और अजीम को अमीर हमजा भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम जो फोन पे कर दिया गया है। सऊदी दुबई सऊदी से इस टूर्नामेंट को लगातार देख रहे हैं ये दोस्तों, ये प्यारे सिबली की ये सरजमी है और इस सरजमी ने बहुत कुछ दिया है आजमगढ़ को। अगली गेंद तैयार, इस बार तबाह एक और हाई और है सिक्स। ये तौर वही है, तौर वही है इस टीम का। तो गिलमान प्रधान दूसरे ही मूड में है दोस्तों, एक बार तालियां तो बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए गिलमान 11 के लिए। ये आज तो गिलमान प्रधान दूसरे ही मूड में है, धूम धड़ा के लगातार तीन छक्के लगाने पे आदिम बिलरिया गंज की तरफ से
500 रुपए के नाम है। गाली गलौज होती है। उमर बाबा बिंदवली की तरफ से 300 रुपए का इनाम आ गया है। तो इनाम की जरा काउंट करते रहे आप लोग। ये अगली गेंद तैयार है। मुझसे सोच रहे हैं कि किस तरह से गिलमान को छकाया जाए। इस मुकाबले में अपने नाम किया जाए विकेट बतौर। ये इस मतलब बहुत खूबसूरत गेंद है। गिरने के बाद एक अच्छा मोमेंटम आया और देखा जाए तो मोमेंटम पूरी तरह से गेंदबाज के पक्ष में पूरा पूरा जलवा है। और जैद भाई जरासपुर गिलमान पठान को इस बल्लेबाजी को करते हुए 100 रुपए का इनाम। स्कोर जो है 51 रन। स्कोर 51 रन। माफी चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, लोग आगे अलाउंस करवा रहे हैं तो इसी की वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है। फिलहाल स्कोर 51। अगली गेंद तैयार। इस बार लोग फुल टॉस दीजिए। गेंद पे मौका था गिलमान 11 के पास एक बड़ी हिट करने का, ये रन आउट होने का खतरा, और लीजिए रन आउट भी कर दिए। बहुत बड़ी विकेट मिल गई है, बहुत बड़ी विकेट मिल गई है। और इसी विकेट पे अब कहीं न कहीं पराजित होने वाली है टीम बंदीघाट। उमर नूर आलम जरा दोस्तों पर कली यासिर अरफात बिंदोल से। यासिर भाई और तमाम बिंदोल को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट को आगे लेके, और ये टूर्नामेंट बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और इस पूरे टूर्नामेंट की चर्चा हिंदुस्तान और आउट ऑफ कंट्री भी चल रही है। स्कोर 52 और अभी भी रनों की और जरूरत है। भैया भाई भैया आप लोग देखिए अब कितना क्या करूं यार, आप लोगों को कितना रोकूं, कितना हाथ गोड़ जोड़ूं। आप लोग वही गाली गलौज जो भी करना है करो यार, मैं क्या करूं भाई। 27 रनों की और जरूरत है। एक बार तालियां से यहां पे इस्तकबाल किया गिलमान 11 का। अच्छा खेल खेला और इस मुकाबले में लगभग एक जहां पे जीत को थोड़ा सा दूर है जरूर। गिलमान 11 क्या बल्लेबाजी की थी, ऐसा लगा कि मानो कोई ऐसा बड़ा बल्लेबाज आया हो जो पूरी तरह से इस मैच का नक्शा बदल लिया हो। राजीव भाई गिलवा गरीब जो बिल्कुल इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, लगातार 4 गेंदों पे 4 छक्के लगाने पे वेलकम ढाबा 500 रुपए का इनाम दे रहा है। चलिए तमाम इनाम इस टूर्नामेंट से जुड़े। लजीज दरबार 3 छक्के लगाने पे 300 रुपए का इनाम इस टूर्नामेंट से जुड़ा है। इस वक्त भाई ये खूबसूरत गेंद है। देखिए ग्राम सभा क्रिकेट प्रतियोगिता में अक्सर ऐसा होता है जो बल्लेबाज होते हैं उनके विकेट गिरने के बाद टीम जो है बिल्कुल बैकफुट पे आ जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुकाबले से थोड़ा सा दूर रह जाए। 27 रनों की और जरूरत है। मुस्तैब आलम है गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, अर्ध विकेट गेंदबाजी चल रही है। यहाँ पे फिर से लगभग मछली को जाल में फंसाया लेकिन गेंद जो है नो मैन्स लैंड में गिर गई जिसके कारण यहाँ पे एक और रन। स्कोर 53। अभी भी 26 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। शुक्रिया आप सभी लोगों का जो इतनी मोहब्बत इस टूर्नामेंट को दे रहे हैं, और मैं तमाम जो कमेटी के सदस्य मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ शहजाद शेख चकिया जो दुबई से इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं, और शहनवाज भाई शेरवा जो उन्हीं के दोस्त है बिल्कुल शुक्रिया। 54 रन है। अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष है। इन 6 गेंदों में अभी 25 रनों की और जरूरत है। 6 गेंद 25 रन। भाई जरा पानी की सप्लाई ग्राउंड में बना दे कमेटी के कार्यकर्ता, बिल्कुल पानी की सप्लाई आप लोग बना दे। शेरपुर का एक मैच के बाद वसीम अहमद एक्स मिनिस्टर मेमोरियल ग्राम सभा क्रिकेट प्रतियोगिता जो पिंदवल स्थान, और ये द्यारे सिवली की सरजमीन, और इस सरजमीन ने बहुत कुछ दिया पूरे आजमगढ़ को और बिल्कुल तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। और आजमगढ़ ने बहुत ऐसा नाम कमाया जो क्रिकेट हो या फिर पढ़ाई हो या खेल कूद से रिलेटेड हर जगह पे आपको आजमगढ़ के नाम जो मिलने वाले हैं। बद्रालम भाई जवाहरपुर हैट्रिक छक्के पे 500 रुपए का इनाम है जी, बिल्कुल लगाइए। और इनाम की घड़ी है जो छड़ी है वो बिल्कुल लगी हुई है इस टूर्नामेंट से। ये खूबसूरत गेंद है। अब चाहिए 5 गेंदों पे 25 रन। क्रॉस बल्ले से तो बिल्कुल नहीं बनने वाला इस मैच में।
कि रास बल्ला अगर आप चलाएंगे तो घर जाना पड़ेगा टीम बंदी घाट को, तो सीधे बल्ले से आप खेल को खेलिए और यकीनन इस मुकाबले में आप आगे रहेंगे। इस बटवकिया व्हाइट होने वाली है, अभी भी मुकाबले में बिल्कुल बनी हुई है दोनों टीम, बिल्कुल जान बची हुई है, जान बची हुई है इस मुकाबले में। इस गेंद पे तो छक्का आना चाहिए, अगर इस गेंद पे छक्का आ गया तो मैच जो है बहुत रोमांच होने वाला है। 5 गेंद चाहिए 24 रन, क्या ये 5 गेंदों पे 24 बनने वाला है? हो भी सकता है। ये वाइट कॉल यहाँ पे अंपायर का एक बाउंस का इशारा भी कर दिया है। एक और गेंद डालनी पड़ेगी आपको और ये क्रिकेट हो गई। ये क्रिकेट जब ग्राम सभा क्रिकेट प्रतियोगिता आज से 5 या 6 साल पहले खेली जाती थी, वो ग्राम सभा क्रिकेट प्रतियोगिता और अब की ग्राम सभा क्रिकेट प्रतियोगिता बहुत बदल गई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में लोकल ट्रेनें चलती हैं, ठीक उसी अंदाज में आज यहाँ पे क्रिकेट भी चल रहा है। बिल्कुल फास्ट हो चुका है, अगले गेंद तैयार विकेट पे। इस मतलब यहाँ पे बल्ले का टॉपेज लगा है, अब चाहिए 4 गेंदों पे 22 रन, 3 छक्का लगाइए 1 चौका लगाइए तभी काम बनने वाला है आपकी टीम का। ये लग भी सकता है, मैंने क्रिकेट जगत में देखे एक ओवर में 44 रन बनते हुए, वो भी कैनफ बॉल से, और वो भी बनाने वाला है AK-47 नसीरपुर की सरजमी से ताल्लुक। इस मरतबा ये शॉट बहुत कड़क है, गेंद जाने वाली है दर्शक दीर्घा में गई है। अब मजा आने वाला है इस मुकाबले में क्योंकि अभी भी मैच में पूरी तरह से जान बची हुई है। नसीरपुर का मैच एक मैच के बाद, यह हो सकता है अगला ही मैच हो कि अगला मैच सेमीफाइनल करवाएंगे या क्वार्टर फाइनल करवाएंगे। क्वार्टर ही होगा, ये हाथ एक कमबैक किया टीम राजापुर से ग्रह, ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हार की घड़ी बन जाए, ये हार का सबब बन जाए। स्कोर जो है अब मैं देख रहा हूँ 67 रन 67 बन गए हैं। दुई पर दुई 68 रन, माफी चाह रहा हूँ 68 रन। कहाँ से 68 यार, अब चाहिए शायद मेरे ख्याल से 12 रन। क्या 2 गेंद है या 3 गेंद है, कितना है? 3 गेंद 2 गेंद 12 रन। इस गेंद पे तो छक्का लगना चाहिए, अगर मैच को रोमांच चलाना है तो छक्का लगे, लेकिन अगली गेंद किस तरह की होगी ये गेंदबाज और बल्लेबाज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इस गेंद पे शोर शराबा होना चाहिए दोस्तों, इस गेंद पूरी तरह से शोर शराबा होना चाहिए। इस गेंद पे क्या होने वाला है? जी नहीं, मौका था बिल्कुल राजापुर से क्रॉस द लाइन बल्ला चलाएंगे तब घर चले जाएंगे। बिल्कुल क्रॉस द लाइन बल्ला चलाया जिसके कारण यहाँ पे एक डॉट डिलीवरी करती हुई टीम राजापुर सिकरौल चलिए इस मुकाबले को जीत लिया है। रिजला 11 सॉरी मैपल ढाबा खंडवारी आ जाए दोस्त टास कराने के लिए, और टास कराने के लिए आ जाए राजापुर सिकरौल, बिल्कुल तैयार हो जाए टास के लिए। और पहला जो सेमीफाइनल होगा वो होगा टीम नसीरपुर और मंजीरपति, जो बहुत बड़ा मैच होने वाला है। जरा यहाँ पे इनाम है गिलमान प्रधान बंदी कला, जरा दोस्त आ जाए बंदी घाट, माफी चाह रहा हूँ। टीम कैप्टन भी है और बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी गिलमान प्रधान ने, लेकिन बैड लक आज कहीं फॉलो कर लिया यहाँ पे बार बार के रूप में और पूरी तरह से भाई टीम कैप्टन पेज को फॉलो कर लीजिए और महफिल ढाबा हो जाए, टीम कैप्टन महफिल ढाबा आ जाएगा उसी पे लाइव चलेगा। मैं लिंक नहीं दे पाऊंगा हर बार बार क्योंकि मुझे जो है लाइव भी चलाना है और स्कोरिंग भी करना है, तो आप जो है पेज को सर्च कर लीजिए भाई। गिलमान प्रधान को साजिद भाई की तरफ से 500 रुपए जरासपुर और आसिम भाई ने सिरपुर जरा संपर्क कर ले, और यासिर अरफात जरा मिले दोस्त, यासिर अरफात यासिर भाई और आसिम भाई नसीरपुर जरा तुरंत संपर्क करें कमेंट बॉक्स पे, तुरंत संपर्क करें आसिम खान नसीरपुर और यासिर अरफात MM Sports 7070 तुरंत संपर्क करें। और